जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है। तो विषय है जन्म कुंडली में, जिनकी कुंडली में सूर्य चतुर्थ भाव में होता है उनके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है। तो चतुर्थ भाव जो होता है वह चंद्रमा का होता है। चंद्रमा है पानी और सूर्य है प्रकाश। जैसे झील के ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, सुंदर दिखाई देता है, उसी प्रकार चतुर्थ भाव में अपने मित्र चंद्रमा के भाव में जब सूर्य बैठ जाते हैं तो शुभ योग बनते हैं। जिनकी कुंडली में सूर्य चतुर्थ भाव में होता है उनके पास कोई बहुत बढ़िया शोभा युक्त अधिकार होता है, ये कोई उच्च अधिकारी भी हो सकते हैं। चौथे सूर्य का शुभ प्रभाव जातक को मिलता है। अक्सर इनके स्वभाव में कुछ लोभ आ जाता है, कुछ कृपणता आ जाती है, कुछ कंजूसी इनके स्वभाव में आ जाती है। और कुंडली में जिस भाव में चंद्र हो, बुध हो, शनि हो, उस भाव से इनको धन लाभ की प्राप्ति होती है। इनका स्वभाव जितना नम्र होगा उतना ही ये जीवन में उन्नति प्राप्त करेंगे, जितना संतोष से काम लेंगे उतना ही ये जीवन में उन्नति करेंगे, जितना लोभ और कृपणता से ये लोग दूर रहेंगे उतनी ही ये उन्नति करें। ऐसे लोगों को जल्दबाज नहीं होना चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए, जिससे इनके सभी कार्य बन जाते हैं। उदाहरण के रूप में आप देखिए, चंद्रमा जो है वह दूध है, सूर्य है वह गुड़ है। अब गर्म गर्म दूध में अगर गुड़ डाल दिया जाए, तेज गर्म दूध में अगर गुड़ डाल दिया जाए तो एकदम से दूध फट जाता है, और अगर ठीक ठीक गर्म दूध में गुड़ डाल दिया जाए तो वह पीने के लिए अच्छा हो जाता है, मिठास उसमें आ जाता है। उसी प्रकार इस जातक को ज़्यादा गर्मी से काम नहीं लेना चाहिए, जितना ठंडे दिमाग से जातक काम लेंगे उतना ही अपने जीवन में उन्नति करेंगे, जितनी नम्रता संतोष धैर्य अपने जीवन में रखेंगे उतना ही ये आगे बढ़ेंगे, उतनी ही उन्नति ऐसे जातक करेंगे। शास्त्रों में चौथे सूर्य का शुभ फल बताया है, ऐसे जातक को उच्च अधिकार की प्राप्ति होती है, कोई शोभा युक्त अधिकार प्राप्त होता है। अक्सर देखा गया है इनका अपने भाई बंधुओं से कलह भी रहता है और मन हमेशा अशांत रहता है, किसी न किसी बात को लेकर मन अशांत बना रहता है। सूर्य अगर अशुभ प्रभाव में हो तो ऐसे जातकों को हृदय रोग भी हो सकता है। तो यहाँ सूर्य को शुभ करने के लिए चंद्रमा का उपाय भी करना चाहिए, चंद्रमा की चीजों का दान करना चाहिए। और चौथे भाव में सूर्य हो और शनि सप्तम भाव में हो तो यहाँ यह एक अशुभ योग बन जाता है। इसमें जातक को रतौंधी रोग की समस्या हो सकती है, जिसमें दिन में दिखाई देता है लेकिन रात में दिखाई नहीं देता। अगर जातक ईमानदारी से काम ले, झूठ फरेब चोरी से दूर रहे तो इसका जीवन बहुत उत्तम होता है, बहुत सुख प्राप्त करता है। अगर जातक झूठ बोले फरेब करे तो चौथे भाव में शनि भी आ जाता है, जिससे जीवन जो है मुश्किलों से भर जाता है, कष्टों से इनका जीवन भर जाता है। ऐसे जातकों को लोहा और लकड़ी का व्यापार नहीं करना चाहिए, इनसे हानि की संभावना ज़्यादा होती है। और पैतृक घर में हवन यज्ञ कराने से सूर्य की अशुभता दूर हो जाती है,
अक्सर देखा गया है कि ऐसे जातक विदेश में भी वास करते हैं और वहाँ सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे जातक को बंदरों को गुड़ खिलाना भी शुभ रहता है। और व्यवसाय की बात करें तो जातक संगीतकार भी हो सकते हैं और गीतकार भी हो सकते हैं और कोई गायक भी हो सकते हैं। इनको ट्रांसपोर्ट के काम से लाभ होता है और प्रॉपर्टी डीलिंग के काम से भी इनको लाभ होता देखा गया है। माता और बहन के सुख में कमी हो जाती है, इनको कष्ट की संभावना रहती है, जिनके चौथे भाव में सूर्य होता है। और शुक्र इनकी सहायता करता है, किसी स्त्री के माध्यम से इनका भाग्य उदय भी हो जाता है, किसी स्त्री का सहयोग इनको मिलता है जिससे इनका भाग्य उदय हो जाता है। तो ये है चतुर्थ सूर्य वालों का प्रभाव कि उनके जीवन पे चौथे सूर्य का क्या प्रभाव पड़ता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।